तो उसमें सीक्वल लेके आए इसका बिग मम्मी बिग मम्मी आ चुकी है ना पहले ही क्या है एक्सयूवी 700 गरीबों की फॉर्च्यूनर बोल सकते हैं नहीं ऐसे कैसे भाई बढ़िया गाड़ी है गरीबों की पैसे वालों की पैसे वालों की स्कॉर्पियो गरीब लेंगे 25 लाख रुपए गाड़ी कमाई कमाल कर रहे फॉर्च्यूनर बिग क्यों रही है ना इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है मैंने खुद खरीदी मैंने क्यों खरीदी मेरे पास भी जवाब नहीं है उस चीज का। नमस्कार मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर और मेरे साथ गौरव यादव हैं। इस चेहरे को आप आराम से पहचान लीजिए आप लोग पहचानते भी होंगे बहुत सारे वीडियो में गौरव के साथ कर चुका हूं और गौरव यादव ने क्या है कमाल किया है क्या किया है कमाल की इन्होंने पेट्रोल स्कॉर्पियो उठाई कहां से भैया पुणे से और लेके चले आए सीधे गुड़गांव और कितने किलोमीटर चलाया होगा आपने टोटल जो पुणे से चलाया है वो 1500 के आसपास 1600 के आसपास चला 1600 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं तो इनके पास एक अनुभव हो गया है तो जो 1600 किलोमीटर का निचोड़ है ना वो आप तक पहुंचाने वाला हूं तो सबसे पहले स्वागत करते हैं भैया आपका स्वागत हमारे चैनल धन्यवाद भैया कैसे हैं भैया बिल्कुल बढ़िया व्यूज अच्छे आ रहे हैं इस गाड़ी पे आग लगा रखी है लड़के ने सच में आग लगा रखी है और मेरी माचिस लगाई थी बट आग नहीं लगी है क्योंकि आप लोग ना मोहब्बत ही नहीं दिखा रहे हो बट ठीक है इस वाले वीडियो में मोहब्बत दिखाना और देख लो स्कॉर्पियो एन है और इसका ये पेट्रोल वेरिएंट है पेट्रोल में अगर इन्होंने 1500-1600 किलोमीटर चलाया है तो इनके पास जो अनुभव है ना वो बहुत बड़ी कहानी कहेगा और अब यहां से आप डिसीजन बना पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको स्कॉर्पियो एन खरीदनी है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को रेडी भैया गौरव अगर डिजाइन की बात करें तो मैं अभी तक ना समझता था कि तुम सबसे ऊंचे हो गाड़ी मुझे नहीं दिखती थी ये तो तुमसे ऊंची दिख रही है बिल्कुल यार गाड़ी की हाइट काफी ज्यादा है और मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं अभी उनमें सबसे ऊंची गाड़ी यही है सबसे ज्यादा ऊंची यही है तो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा ऊंची हो गई बिल्कुल फॉर्च्यूनर तो डी सेगमेंट की सबसे ज्यादा ऊंची गाड़ी बन गई है डी सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी बन गई है सबसे बड़ी गाड़ी बन गई है तो आपको लगता है हाइट ज्यादा है और बाकी स्पेस है गाड़ी के अंदर और फॉर्च्यूनर से अगर कंपेयर करें तो फॉर्च्यूनर उस लिहाज से क्या बोलना चाहोगे फॉर्च्यूनर का सेगमेंट बिल्कुल अलग है इस गाड़ी से वो एक लोग उसको एज एन यूटिलिटी के बजाय एज एन स्टेटस सिंबल लोग खरीदते हैं तो वो सेगमेंट से लेना देना नहीं है बट हाँ आप ऑन पेपर या वैसे कंपेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को कर सकते हैं कीमत जस्टिफाइड है इस गाड़ी की कीमत जस्टिफाइड है जस्टिफाइड है तो ठग मिली कितनी तेज आई मतलब ये सही लगा बिल्कुल काफी कई बार ऐसे बंद करो तो खुला रह जाता दरवाजा ना वो एक्चुअली क्या ना एयर प्रेशर की वजह से होता है अगर थोड़ा सा भी कोई आपका ग्लास ओपन हो तो आराम से बंद हो जाएगा चलो अब आ जाते हैं तुम्हारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे तो इतने किलोमीटर में एक तो सबसे पहले सवाल माइलेज कितना दिया इसने माइलेज पेट्रोल में 10.75 के आसपास निकल कर आई है मुंबई से दिल्ली की 10.75 होंगे बड़ोदरा हो गया सूरत हो गया बहुत सारी जगह आई होगी तो उस लिहाज से अगर बात करें तो सिटी ट्रैफिक के उसमें लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस में कैसा रहा ट्रैफिक ऐसे जो रात के समय था नहीं बसेज वगैरह का था काफी ट्रैफिक रात को बट गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस ऐसी थी कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि यार एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी है तो बार बार वो क्लच दबाना गियर चेंज करने वाला इशू तो था नहीं गाड़ी के अंदर तो हाँ कभी 70 की स्पीड में ड्राइव करके लाया कभी 100 भी गया हूँ बार बार बीच में और जो स्टेयरिंग फीडबैक है गाड़ी का वो लाजवाब है डायनामिक्स गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी का कंट्रोल काफ़ी अच्छा है सिटी के अंदर जयपुर के अंदर से भी नहीं निकला वो भी बाहर से आया हूँ सिर्फ अभी मैंने गाड़ी को आज ड्राइव किया है गुड़गांव के शहर के अंदर तो अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस मेरा काम है लोगों का ज्यादा अच्छा हो रहा है सबका ध्यान बार बार स्कॉर्पियो के ऊपर ही जा रहा है अच्छा ब्रेकिंग बाइट चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं अच्छे तो, हैं ब्रेकिंग अच्छे, मतलब कहीं पे ये नहीं लगता कि भैया थोड़ा सा और होना चाहिए था ब्रेकिंग थोड़े से बाइट और टाइट हो तो और बेटर है बट कुल मिलाकर पुरानी स्कॉर्पियो से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छे हैं मैं तो पुराना मानते नहीं क्योंकि वो भी बिक रही है पुराने 20 साल हो गए ना 20 साल से अब वो पुरानी ही बोली जाएगी भले ही कंपनी उसको बोले कि उसको बंद नहीं करेगी बट आने वाले समय में आप देखेंगे साल दो साल के अंदर बस कंटिन्यू होगी ही होगी भैया की भविष्यवाणी होती है पक्का होती है तो कुछ महिंद्रा वालों ने सोचा होगा और भैया को पता चल गया चलिए अच्छा कहीं पर आपको बॉडी रोल फील हुआ बॉडी रोल नहीं ऐसे फ्रंट और मुझे भी कहीं फील नहीं हुआ ज्यादा जहाँ पे क्योंकि कॉर्नरिंग वगैरह फास्ट कॉर्नरिंग भी अच्छे से कर रही थी वो अच्छा है बाकी आप भी चला गए 150-200 किलोमीटर आपको क्या अच्छा लगा गाड़ी के अंदर तो मुझे तो एक कंफर्ट बहुत अच्छा लगा कंफर्ट मतलब मैं कहीं से भी थका नहीं था मैं लगातार चलाता रहा मैं मुंबई के ट्रैफिक में उस ट्रैफिक में चलाया जहां 3 किलोमीटर मैंने 1.5 घंटे में पार किया तो मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी ने किया होगा ये वाला सिटी वाला सिटी वाला आपने ही एक्सपीरियंस हाँ तो और उस दौरान मुझे जो माइलेज दिख रहा था 7-8 का माइलेज मुझे मिला इतना चलता भी क्योंकि मैं गाड़ी शूट कर रहा था नहीं कर सकते ना अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो माइलेज आप निकाल ही नहीं सकते अच्छा एसी का कंफर्ट कैसा रहा एसी काफी अच्छी कूलिंग है और ड्यूल एसी दिए हैं तो
कूलिंग काफी अच्छी है और पीछे वाली सीट पर अभी ये जो कंफर्ट है ना ये अगर ये सोफा ड्रिवन भी आप गाड़ी खरीदेंगे ना तो आप पीछे वाली सीट पर काफी कंफर्टेबली बैठने वाले हैं। सिर्फ कमी एक छोड़ दी है कि इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते, सिर्फ आगे पीछे तो कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेंगे आप, डिक्लाइन कर लेंगे बट आप स्लाइड करके आगे नहीं जा सकते। कभी ऐसा हो कि पीछे वाली सीट पर किसी को बैठना और उसको एक्स्ट्रा लेग रूम की जरूरत हो तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है। अच्छा कैप्टन सीट वाली तुम्हें कैसी लगी? देखा था कैप्टन सीट ना, वहाँ कैप्टन सीट मैंने देखा था, कैप्टन सीट में बैठा था, वो गाड़ी भी ठीक है बट अगर आपको अपने घर के लिए लेनी है, खुद के लिए गाड़ी लेनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वेरिएंट के लिए जाएं क्योंकि इसमें थर्ड रो तो यूज नहीं होने वाली, कभी बूट स्पेस की तरह यूज करनी पड़े, पांच लोग एटलीस्ट बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर और कैप्टन सीट अगर ले ली तो सिर्फ चार सीट। रात में चलाए हो तो लाइट जलाई होगी? बिल्कुल जलाई है, बिना जलाए चलो चलाए। तो रोशनी कैसी थी हेडलैम्प का? रोशनी काफी दूर तक है इसकी और बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी के अंदर वो हेडलैम्प का जो लेवल है वो आता है, फॉर्च्यूनर में वो ऑप्शन नहीं है तो उसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते उसको थ्रो को, बट इसमें जो हेडलाइट का थ्रो आप एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ पर लेकर जाना है। काफी दूर तक की विजिबिलिटी आपको आराम से मिल जाती है गाड़ी के अंदर और जो फॉग लाइट्स हैं वो कॉर्नरिंग लाइट का भी काम करती हैं तो साइड का भी काफी अच्छा व्यू मिल जाता है उसके अंदर। तो अच्छा अंदर बैठ के ना बाहर ऐसे बड़ा एयरी लग रहा है, बरसात के मौसम में जो ऐसे पानी बरस रहा है। मैं बादल भर के लाया हूँ ना, बादल भर के लाया हूँ भैया, बादल भर के लाया होगा, गुड़गांव में जम के बरसा दी, इतना बरसात ट्रैफिक हो गया क्योंकि वहाँ पे हमारा वीडियो सबका हो नहीं पाया था, वहाँ बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, छाता लेके मैं खड़ा था, लेके खड़े थे आप, छाता लेके, वीडियो अभी भी नहीं आ पाया, आएगा 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 वीडियो आएगा। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप इसे लेके निकल रहे थे और जगहों से तो फॉर्च्यूनर वाले कोई दिखे? फॉर्च्यूनर वालों ने देखी, इसके साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, मैं बताऊं फॉर्च्यूनर एक्चुअली गाड़ी का कलर ग्रीन था, अगर ये व्हाइट कलर की गाड़ी होती तो फॉर्च्यूनर वालों को दिखती, बाकी स्कॉर्पियो वाले तो सब देख गए गाड़ी को, देख गए फॉर्च्यूनर बच गए, एंडेवर वालों ने भी खूब देखी है। तो इसके बाद फॉर्च्यूनर की बिक्री पर असर पड़ेगा तुम्हें कैसे लगता है? फॉर्च्यूनर बिक क्यों रही है ना, इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने खुद खरीदी, मैंने क्यों खरीदी मेरे पास भी जवाब नहीं है उस चीज का। हो सकता महिंद्रा को मिल गया, उसने लॉन्च कर दिया इसे। स्कॉर्पियो से वैसे लेना देना है नहीं बट अगर बजट का थोड़ा सा इशू, गरीबों की फॉर्च्यूनर बोल सकते हैं इसे? नहीं ऐसे कैसे भाई, बढ़िया गाड़ी है, गरीबों की पैसे वालों की। अच्छा, पैसे वालों की स्कॉर्पियो गरीब लेंगे, 25 लाख रुपए गाड़ी कमाल कर रहेगा, पैसे वाले लोग ही लेंगे और धीरे धीरे वो प्राइस सेगमेंट ना बढ़ रहा है गाड़ियों का। पहले ऑल्टो जैसी गाड़ियां 3 लाख में आती थी, आज 6 लाख में आती है। अच्छा कुछ जगह जो तुमने नोटिस किया कि भैया इम्प्रूवमेंट यहाँ और करना चाहिए था महिंद्रा को, जो गौरव यादव ने ऑब्जर्व किया कि ये सही नहीं? अब मैं पीछे वाली सीट के ऊपर बैठा हूँ, एक कमी मैंने आपको बता दी, आप इसको स्लाइड नहीं कर सकते। दूसरी कमी है कि यहाँ पे कर्टेन नहीं दिया है, देना चाहिए। अगर सोफा ड्रिवन की बात करें, वैसे भी बात करें फैमिली के साथ बैठे हो तो कर्टेन आजकल सेल्टोस जैसी गाड़ियों में, क्रेटा जैसी गाड़ियों में आ जाता है, वो इसमें नहीं दिया है तो वो एटलीस्ट पीछे वाली सीट पे देना चाहिए था। एक अगर आप यहाँ देखेंगे तो टाइप सी पीछे दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, आगे वाली जो रो है उसमें टाइप सी आपको नहीं मिलेगा। हाँ वो सिर्फ यूएसबी दे रखा है, वो सिर्फ यूएसबी है तो आपको यहाँ से केबल डालकर लेकर जाना होगा। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा और बड़ी कमी लगी छोटी मोटी जो ऑटो डीमिंग आईआरवीएम नहीं है गाड़ी के अंदर, बाकी फैंसी चीजें जो नहीं मिली है गाड़ी। अच्छा डैडी कहाँ से लगती है, बोलते बिग डैडी, मतलब डैडी तो बिग डैडी का मैं बताता हूँ क्या है कि जितनी भी एसयूवीज हैं इंडिया के अंदर, अगर मैं 60 लाख रुपीज की जो गाड़ियों की बात करूं तो साइज में सबसे बड़ी है, इसलिए बिग डैडी हो, हाइट में सबसे बड़ी है गाड़ी तो ये दिखने में काफी बड़ी है। मेरे घर पे फॉर्च्यूनर खड़ी, उसके बगल में जो गाड़ी जाके खड़ी करी, जब मैंने डिफरेंस देखा यार ये गाड़ी तो सच में काफी बड़ी है, इसलिए इसको बिग डैडी बोल रहे थे। पहले मुझे लग रहा था महिंद्रा पता नहीं क्यों पागल हो गया, तो सीक्वल लेके आए इसका बिग मम्मी, बिग मम्मी आ चुकी है ना पहले ही, क्या है एक्सयूवी 7 डबल तो बिग मम्मी है वो, और क्या लग्जरियस फैशन वैशन आपने देखा ना इंटीरियर, स्मॉल सन स्मॉल बेबी ऐसे टाइप का अभी शुरू हो गया गाड़ियों में ना। नहीं वो ह्यूमन एक्चुअली स्कॉर्पियो को किंग ऑफ एसयूवी बोलते हैं, उसको फॉर्च्यूनर को तो ये डैडी ऑफ एसयूवी हो गया तो वो चलता है। अच्छा इसे किसको खरीदना चाहिए बता दो फिर खत्म करते हैं वीडियो को। अगर आप थार खरीदने की सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग भी नहीं लेकर जाने वाले गाड़ी को, या कभी कभी लेकर जाने वाले हैं तो थार में शायद आपको कंफर्ट का इशू आ रहा होगा या जो चला रहे हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसे कोई इशू नहीं आएगा। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज कमाल की हैं, कंफर्ट कमाल का है, रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल है इस गाड़ी की। मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बोला है कि लग नहीं रहा कि मैं महिंद्रा की गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे लग रहा था कोई जर्मन कार चला रहा हूँ मैं। अच्छा जिस तरीके की स्टेबिलिटी हैंडलिंग ये गाड़ी ऑफर कर रही थी वो लाजवाब है, और 200 PS का पेट्रोल इंजन है, इतना स्मूथ इतना पावरफुल, फ्यूल एफिशिएंट भी है पावर को देखते हुए। फ्यूल एफिशिएंट तो भैया ने क्या किया है, इसका माइलेज टेस्ट किया हुआ, इनके चैनल पर जाके देखना और सब्सक्राइब कर लेना। और भैया ने क्या किया, भैया ने कुछ नहीं किया, हमने भी किया, हमारा माइलेज टेस्ट देख लेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे तो हमारा इनका वाला देखना का खरीदना। ये ना ये जाके ट्रैफिक में फंस गए फिर कह रहे माइलेज नहीं दे रही गाड़ी, ट्रैफिक में कैसे माइलेज देगी? नहीं हर देखो हर कहानी का किरदार होता है, मानते हो?
ठीक है, और हर किरदार अलग अलग होता है, और जब सारे किरदार अपना रोल प्ले करते हैं तो एक बढ़िया कहानी बनती है, उसे लोग देखने जाते हैं। ये हमारे भैया ना, ये ऐसे अभिनेता हैं जो छुपे हुए हैं, लोग ढूंढते हुए आते हैं, गौरव भैया उनके लिए बड़ा काम कर जाते हैं। और अब ये गाड़ी चला के ले आए तो मुझे रास्ते वाला और मैं बता दूं क्या हुआ, क्या था वो नेटवर्क का, उदयपुर में जो एक इशू हुआ है 2-3 दिन पहले काफी जो नहीं होना चाहिए था उसकी वजह से उन्होंने कर दिया पूरे राजस्थान का नेटवर्क बंद। कल मैं एंटर हुआ 5 बजे के आसपास राजस्थान के अंदर, एंटर होते मेरा म्यूजिक हो गया बंद अपने आप। मैंने उससे अपना एप्पल म्यूजिक से ऑन किया हुआ था, मैं देखा क्या दिक्कत हो गया, पता चला नेटवर्क चला गया। अब फोन में गाने डाउनलोड नहीं थे और इसके अंदर ऐप आ रखी है एलेक्सा वेलेक्सा, वो भी सब बंद हो गए। तो अब गाने की जरूरत होती है ना आदमी को, इतनी दूर से ड्राइव करके ला रहा है और आगे भी ड्राइव करके जाना है, 800-900 किलोमीटर आना था मुझे ड्राइव करते हुए। अब म्यूजिक हो गया बंद, FM अब पता नहीं क्यों बंद हो गया, कहीं भी काम नहीं कर रहा था, FM भी काम नहीं कर रहा था, कभी एक स्टेशन आ रहा था नहीं आ रहा था, उसमें एड्स इतनी आ रही थी। फिर 200-250 किलोमीटर के बाद हुआ तेल ख़त्म। अच्छा, अब हम गए पेट्रोल पंप के ऊपर, बोले भैया UPI काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। ठीक है भैया कार्ड से कर लो। बोले नहीं सर कार्ड मशीन भी काम नहीं कर रही, कैश सेम, कैश हमारे पास है नहीं। बोले सर ATM से निकालो। ATM क्या, ATM भी बंद पड़ा क्योंकि इंटरनेट नहीं। अब हो गई हालत खराब यार, ये बिना इंटरनेट के यार कैसे, बिना इंटरनेट के हम जी कैसे रहेंगे। मतलब ये कनेक्टेड कार 70+ फीचर्स फेल हो गए, सब फेल, कनेक्टेड कार फेल, UPI फेल, तो यही इसका हेडिंग बनेगा, थंबनेल बता दिया तुमने। हाँ, ये वीजा मास्टर कार्ड सब फेल हो गए भैया, मतलब जेब में अगर कैश नहीं, 70+ कनेक्टेड फीचर्स फेल, जेब में अगर कैश नहीं तो सब फेल। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2-3 ATMs पे गया, फिर एक ATM मिला जो बैंक के अंदर ATM था। तो बैंक में पता नहीं कहाँ से नेटवर्क आ रहा था, बैंक शायद चल रहे होंगे बैंक, ब्रॉडबैंड वगैरह कुछ लगा, मुझे नहीं पता। उस एरिया से वो पैसा निकाला मैंने, फिर जाके फुल करवाया। तो एक चीज बहुत बड़ा संदेश लोगों को दे सकते हैं यहाँ से कि अगर सरकार, मतलब ऐसे सौहार्द बिगड़ेगा समाज का तो कनेक्टेड कार्स किसी काम नहीं आएगी, और आपके पास कैश होना चाहिए। कैश होना चाहिए, मेरे लिए भी सबक है क्योंकि मेरे जेब में भी 25 रुपए भी नहीं। इतना तो था कि 3-4 हजार टाइप, बट एक फुल टैंक सीधा 6 हजार रुपए का हो रहा था इसका। और राजस्थान में तो फ्यूल वैसे महंगा है, 110 रुपए के आसपास है, 57 लीटर का टैंक। गुजरात में था 98, तो इतना डिफरेंस आया। बट ठीक है, जब भी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाएं तो कैश हमेशा। कितने रुपए तेल खर्च किए, फूक दिया, खर्च क्या किया, 12,000 मतलब 128 लीटर डला है, 105 के आसपास की एवरेज, 13-14 हजार रुपए का। बाकी फास्टैग 20 के आसपास टोल। अच्छा, फास्टैग चल रहा था। हाँ, फास्टैग चल रहा था इसका। अच्छा, वो किस्मत अच्छी थी। अच्छा, नहीं तो और आ जाता। तो ये थे गौरव भैया, और इन्होंने सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो चला ली है, इतना मुझे नहीं पता किसने चलाई होगी। कुछ लोग चलाएंगे अभी। हाँ, लोग चलाएंगे, बट हाँ। अभी तो चला लिए इन्होंने, चलाते ही मुझे मिल गए। और अगर आप गाड़ी खरीदते भी हैं तो आप एक दिन में 1600 किलोमीटर एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो अब जो इन्होंने जवाब दिया है उसके आधार पर आप डिसीजन बना सकते हैं डीलरशिप पर जाने से पहले। और जब डीलरशिप पर जाएं, इन्होंने जो बताया है वो बात सही लगे तो कमेंट करके हमें बताना, मुझे भी इनको भी। भैया की वीडियो जरूर देखना, माइलेज। हाँ, वो इतनी मेहनत करी कि देख ही नहीं रहे। और अपना ध्यान रखना, गौरव भैया के साथ इसलिए है जिसे आप लोग देख के जाएं वीडियो। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। ठीक है भैया, नमस्ते। ऐसे नमस्ते करो ना। धन्यवाद, दिल से करते हैं, दिल से ना। चलो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।